बनाया था? डॉग बर्ड। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि एक कुत्ते और एक पंछी की तरह है। ये डॉग बर्ड तो इसी तरफ आ रहा है भाई। राजा जिन है उनकी माँ। एक अपराधी को भी इज्जत से बात करनी चाहिए। कुछ भी। ऐसा क्या हुआ कि पिछले राजा का इतना करीबी दोस्त ऐसी जगह पे बंद है? स्वर्गीय राजा और मेरे रिश्तों का अंत अच्छी परिस्थितियों में नहीं हुआ था। मैं राजा के एक सेवक की जान पहचान में था, तो लोगों ने मुझ पे गलत काम करने के इल्जाम लगाए। लगता है तुम इस पवित्र राज्य से खुश नहीं हो। ये राज्य जहाँ एक माँ ने अपने बेटे को निकाल दिया, वो इस राज्य पे 10 साल से राज कर रही है, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं इस राज्य से खुश नहीं हूँ। क्या तुमने ये बातें अच्छी तरह सोच के बोली हैं? मैंने सुना है हमारे राजा बहुत दयावान और होशियार हैं। कुछ भी हो, पर ये चीज झूठ तो नहीं हो सकती। अब मैं बहुत थक गया हूँ। आप वही सारी बातें बार बार क्यों दोहराती हैं? आखिर ऐसा क्या है जो आप करना चाहती हैं? मैंने सोचा है कि मैं राजसी योद्धाओं का एक समूह बनाऊंगी जो अपनी जान के साथ राजा की रक्षा करेंगे। राजा के लिए शाही योद्धा? अच्छा सोचा है आपने। सारे मंत्रियों ने अपने अपने सैनिक बांट लिए हैं, तो राजा के लिए कौन खड़ा होगा? क्या आप उन्हें बच्चे से लाएंगी या गोगुरियों से? मैंने सोचा है कि मैं उन्हें मंत्रियों के बच्चों में से चुनूंगी, पर मैं चाहती हूँ आप उन्हें प्रशिक्षण दें। उनके पिता और उनके परिवारों की जगह मैं चाहती हूँ कि वो वफादार बने अपने राजा के और इस राज्य के प्रति। महारानी जी, क्या आपको लगता है कि मैं ये काम करूँगा? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं राजगद्दी छोड़ दूँ? अगर तुम इस काम को करने में सफल रहे तो मैं अपनी खुशी से इस राजगद्दी को त्याग दूंगी। दादा, मैंने तुझे क्या बोला था? मैंने बोला था कि मैं राजधानी में रहता था। तू पिटने के बाद भी कैसे हंस लेता है? बस एक बार हम राजधानी में पहुंच जाए, फिर मैं इस चीज से पता लगा ही लूंगा। इसीलिए हमें कल सीमा पार करके जाना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अगली बार भागना मत। अगर हमारे जैसे लोग सीमा कूद के वहां जाते हैं तो वो लोग हम पे बाणों की वर्षा कर देते हैं, जिससे हमारी गर्दन भी कट सकती है। तो राजधानी के बारे में बात करना बंद कर। घर है वो मेरा, जहाँ मेरे माँ बाप और मेरी बहन रहती है। मैं इसकी मदद से अपने पिता का पता लगा ही लूंगा, जिससे मुझे मेरी पहचान वापस मिल जाएगी। पक्का ही सार से पता चलेगा। ऐसे ही पता लगेगा मुझे। तुझे कुछ पता भी है? चाहे कुछ भी हो, क्या तू पक्का मेरी मदद करेगा? तुझे तो वहां तक जाने में 100 साल लग जाएंगे। और हाँ, मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मेरा मन करेगा, चाहे फिर वो राजधानी ही क्यों ना हो। ते हमें वहां जाने से रोकते क्यों हैं? डॉग बर्ड, तू किसी चीज से डरता क्यों नहीं है? हाँ, डर उन्हें लगता है जिनके पास बहुत कुछ होता है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। ओ तेरी टैक्स। क्या? अरे मैं तो मुश्किल में फंस गया यार, जाना पड़ेगा मुझे, जल्दी चल।
ओए, मुझे लगता है वो अभी तक आए ही नहीं है यहाँ। ठीक है, चल जल्दी आ जा भाई, जल्दी। नहीं है ना वो यहाँ? मुझे भी दे।